रामपुरा में उस समय हड़कंप मच गया। शहर की बाजार में सड़क पर दुसांड आपस में भिड़ गए। हर तरफ भगदड़ मच गई थी। छुट्टा पशु का आतंक खेतों से चलकर बाजार तक पहुंच गया था। दोनों सांड ने लड़ते लड़ते दो वहीं दो लोगों को भी घायल कर दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है। जिले में पशुशाला बनाए गए हैं। इन पशुओं का पालन करने सहित चारा आदि में हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हालत यह है कि जितने छुट्टा पशु इन गौशाला में रखे गए हैं उसके दो गुने पशु बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही बीती रात रामपुरा के अकल चौराहे पर देखा गया, जहां पर दो सांडों के लड़ते हुए एक महिला और एक पुरुष घायल हुए। रामपुरा नगर में वैसे तो आवारा पशु का इतना आतंक है कि महिला सब्जी बाजार में जाने से डरने लगी है। नगर की जनता ने कितनी बार शिकायत भी की है, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी एक दो आवारा पशु पकड़कर उनके साथ फोटो लेकर अपनी खानापूर्ति कर लेते हैं। नगर परिषद के अधिकारी इस ओर अगर गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि नगर में कोई बड़ी जनहानि हो जाए। अगर कोई भी जनहानि नगरवासियों के साथ आवारा पशु द्वारा हो जाती है तो इसके जिम्मेदार नगर परिषद के अधिकारी होंगे। भैया, रात को अक्कल चौराहे पे क्या घटनाक्रम हुआ? रात को अक्कल चौराहे पे दो सांड बहुत खतरनाक स्थिति में लड़े। इधर से रात का एक प्रोसेशन भी जा रहा था, उसमें महिला बच्चे बुजुर्ग सब थे और इतने खतरनाक लड़ रहे, अगर वो उस बनोई में घुस जाते तो भारी जन हानि हो जाती। सुनने में आया है कि निकासी में कोई मतलब घायल भी हुआ है? घायल भी हुआ, एक व्यक्ति के पैर में बहुत चोट लगी है और एक लेडीज भी गिर गई, उसके भी लगी है। और ये आए दिन लड़ते रहते हैं चौराहे पे ना सब दो, और कभी भी नगर पंचायत ध्यान नहीं दे रहे और कभी भी भारी जनहानि।